हाँ साहब, देखिए माता और बहनों, ये तमाशा हमारा आपके सामने रांझा हीर जो शुरू हो रहा है, ये अमर केसिट वालों की तरफ से ये शुरू हो रहा है मास्टर बुंदू खां, और ये हमारी पेटी पर जो हैं ये मिथिलेश कुमार त्यागी जी हैं, और ये आ गए हैं आपके सामने नकारे वादक हमारे ये बनारसी दास, और ये ढोलक पर आ गए हैं बाबू राम सिंह। तो देखिए अब आप इसकी धूमधाम सुनिए, रांझे हीर की क्या शुरुआत है, इसकी क्या आखिर है, ये आपको बताया जाएगा। रांझा और मांझा दोनों सगे भाई थे, लेकिन फर्क इतना था, रांझा करामाती था, मांझा पहलवान था। करामात के जरिए से अपने भाई को जेल कर देते हैं और मुरली कंबल उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक नदी आ जाती है, नदी बड़ी खतरनाक भयानक थी। उस नदी में नाव लगती थी, वहाँ मल्लार मल्लाह की लड़की रहते थे। रांझे मियाँ उस नदी पर पहुँच जाते हैं और मल्लाह की लड़की से कहते हैं, लड़की मुझे नदी से पार उतारो, मजदूरी के पैसे लो। मल्लाह की लड़की जवाब देती है, परदेशी अपना नाम और पता बतलाओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तुम्हारा नाम है। रांझे मियाँ अपना नाम और पता बताते हैं, मल्लाह की लड़की बेचैन हो जाती है और कहती है, परदेशी शादी कर लो, हम पार उतार देंगे। रांझे मियाँ इनकार कर देते हैं। मल्लाह की लड़की रांझे को नाव में बिठा लेती है, नाव को बढ़ा देती है। जब भी धार में नाव पहुँचती है, मल्लाह की लड़की मालूम करती है, परदेशी क्या ख्याल है। रांझे मियाँ जवाब देते हैं, मेरा ख्याल जो नदी से बाहर था, वही ख्याल मेरा नदी के अंदर है, मैं शादी नहीं करूंगा। मल्लाह की लड़की पानी के अंदर धक्का दे देती है, नाव को लौटा देती है। रांझे मियाँ आगे बढ़ जाते हैं और सियाले के करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ हीर का बगीचा था। बगीचे का गेट लगा हुआ था, ताले फौलाद के पड़े थे, माली और मालन बाग में रहते थे। अब देखिए वहाँ रांझे मियाँ मालन से क्या कहते हैं और क्या मालन रांझे को जवाब देती है। बहन भाई और बहनों, अब यानी जंग सियाले के हीर के बगीचे का हाल सुनिए, बाग का सीन देखिए, बहुत अच्छा सीन है। देखिए साथियों, यहाँ प्रोग्राम रांझा हीर जो सुन रहे हैं, अमर केसेट हापुड़ वालों की तरफ से सुनाया जा रहा है, ये जिसके गायक हैं मास्टर बुंदू। इससे आगे सुनिए प्रोग्राम। क्या बात है मालिक? ये कौन है जो फाटक खोलने को कह रहा है? मत खोलिए मालन। ठीक है, परदेसी में फाटक नहीं खोल सकता। भैया तू क्यों जस्ती जबर कर रहा है? जब ये मना कर रही है नहीं खोलने की, मत खोलिए। मैं फाटक नहीं खोल सकती। ये मालन कहती है
ये परदेसी में फाटक नहीं खोलने की, अब ये महानगर फाटक नहीं खोलने की तो मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूँगा। मगर इस बाग में लिख के लगा रखा है गेट पर कि ये बाग जराना हीर का है, गैर मर्द इसमें नहीं जाते हैं, और मैं एक गैर मर्द हूँ। अब मुझे मालानी पता बतला सकती है, मैं फाटक खुलवा के रुकूंगा चाहे कुछ भी हो। मालान कहो परदेसी, मैं आपसे कोई और बात मालूम करना चाहता हूँ। परदेसी मेरी बात सुनो, मेरे से सही बताना मालन, झूठ मत बोलना। एक बात नहीं बात तो चाहे मालूम चार करो, मगर फाटक नहीं खोल सकती हूँ मैं। अच्छा जी तो सुनिए मालन, सुनाइए। अब किसी राजा के पटवल की यहाँ बचे हैं दुहाई जी, क्या कहा मालन के भाग राजा छू चुके हैं। जी हाँ, और पटवल की यहाँ दुहाई मचती है। हाँ परदेसी मालन, ये पता तुमने सही बतला दिया, मगर मालन क्या बात, मैं आपसे एक बात मालूम करना और चाहता हूँ। कौन सी बात? मेरे दिल में एक अरमान है मालन, क्या तुम मेरे दिल के अरमान पूरे कर सकती हो? परदेसी हाँ मालन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे क्या अरमान पूरे करूँगी, मैंने तो अपने आदमी के भी अरमान पूरे नहीं किए परदेसी कभी। भैया हाँ भैया, इन्हें तो अरमान मेरे भी आज तक पूरे नहीं करे, तुम्हारे तो होंगे क्या? यो तो बेचारी मुझे भी नहीं देखती है, मैं तो अपने आप ही भैया उतारूँ और अपने आप ही खा लूँ। अच्छा, कुछ औरतें ऐसी होती है जो बेचारा रोटी से परेशान है, मालिक कहता है कि मुझे भी रोटी नहीं दे रही उतार के, तो भैया तेरे क्या अरमान पूरे होंगे। तो ठीक है मालिक, हम तो एक परदेसी आदमी है मालन, कहो हमारे दिल के अरमान तो तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। सुनिए मालन, परदेसी मेरी बात सुनो। अब क्या कहा मालन? परदेसी क्या तुम मेरा पता मालूम करना चाहती हो? जी हाँ मालन, मैं तो यूँ कह रहा था मैंने कहा बगैर ही पता है खोल देते। परदेसी ऐसे नहीं खोल सकती हूँ मैं, एक बार कहोगे जब नहीं खोलने की, 10 बार कहोगे जब नहीं खोल सकती हूँ। तो ठीक है मालन, परदेसी
भैया तुम ऐसा के बदमाश पूरे रहते हो हाँ। या भैया सरिया मार हो सके है या भैया ऐसा के उगर का बाजी हो सके है, तेरे पास हो या चमका बम किसी वजह से हाँ। और तेने मालन से खुलवा लिया फाटक हाँ। मालन ने खोल दिया भैया तेने दिया चम बम छोर हाँ। तो मालन का सामान फट जाएगा सामान फट जाएगा सामान क्या होगा दो चार बर्तन होंगे खाने पकाने का यही सामान है बेचारे का तो भैया ये नहीं खोलने की है ठीक है मालिक को ये खतरा हो रहा है वो सरिया मार चले थे कभी पहले कभी सरिया मार आ गया हो तो सुनिए मेरा पता इसलिए मैं तुम्हें पता बता देता हूँ सुनो जी ये कीना चकले की सब डाली दले है जी क्या कहा मालन क्या रहने तो तुम्हारे आते हैं क्या वो तुम्हारे दाल दलते हैं हाजी परदेसी दाल ओ मालन वे रांझे नाम के होंगे काम के नहीं आज तो यहाँ रांझा काम का है नाम का नहीं परदेसी यहाँ जितने भी रांझे आते हैं अरे मैं कहता हूँ कि मेरी दरजान उठाने जाएगी सब रांझे यहाँ काम की आते हैं नाम का कोई नहीं आता है यह जो सामने वाली बोरी रखी है यह मैं तुमसे दलवाऊंगी और अपने मालिक के कुकर में दाल बना के खाऊंगी गलत मालन मैं जो ये कुकर लाया हूँ यो लंडी लंडोरे से लाया हूँ और किसी वजह से दाल का दाना अड़ गया मेरी कुकर में तो मेरा कुकर जाएगा फट अपनी बदली में पका और इन्हें सबको खिला परदेसी नहीं मेरी बातें सुनो अब भैया इन्हें का खतरा हो गया कभी मेरी पतली कुकर फट जा अब ये ऐसे काबू नहीं देने वाले अब ये फाटे मुझे खोलने हैं बाकी से मैं अंदर जाना है अपनी हीर का पता यहीं से लगाना है माली हाँ जी मेरी बातें सुनो तुम कहते हैं कि मैं कुकर लाया लंडी लंडौरा से ये कहो कि मंडी धनौरा महाराज 22 साल मेरी शादी की हो गए आज तक मेरी पतली की दाल बनी हुई खाई है तुम्हारे कुकर की दाल बनी हुई मैंने नहीं खाई माली हाँ अब मेरी पतली में नन्ने ने छेद हो गए तली कमजोर हो गई है महाराज तुम हाँ काम करो क्या तुम तो कर लो अपनी सदर बंद हाँ साहब देखिए आ गए हैं इनाम लेकर के विवेक कुमार मंडी धनौरे के रहने वाले ये बाबूजी हमारे 101 रुपए इनाम दे रहे हैं हम उन साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं तो क्या ये फाटक नहीं खुले हैं नहीं परदेसी एक बार क्योंकि जब नहीं खोल सकती आज 10 बार क्योंकि जब नहीं खोलने की फाटक खोले मेरी और ठोकर मालन तुम तो कर लो अपनी शटर बंद और मैं ठोक दूं मूसला काम होना चाहिए मजबूत मजबूत नहीं उसे मजबूत कहा करो देखते हैं आज इनके मूसले हमें कैसे शटर लगाता है तो ठीक है मालन अब हम बागीचे में अपना आप आ जाएंगे ठीक है परदेसी ये बाग जलाना यहाँ मर्दों का कोई काम नहीं है आज अपने लिया है मना
भाग लो जी। मालन पूरे को भाग गया। मालन एक बात बता, कोई नुकसान तो नहीं हुआ तुम्हारा? माली हाँ अजी मेरे तो गेट भी टूट गए जी। तुम्हारा गेट टूट गया? मालन साली तुम्हारा गेट टूट गया तो मेरा मडगार साफ हो गया मालन। ये जी माली हाँ जी अजी मैं अब कैसे करूँगी जी? तू तो किसी को कर लेगी, मैं किसे करूँगा? मैं लो करती फिर रही, तू मर जा थोबड़ो। यो कहता है तू तो किसी को कर लेगी, मैं किसे करूँगा? तो अपनी चिंता मत कर, तुझे मैं करूँगा माली। हाँ जी इसे मालन को रो भेज दे। मालन चली जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ जी। परदेसी मालन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक बात सुनो। क्या? अगर ये तुम्हें बुरा नहीं लगती की बात मालूम कर सकती हूँ? हाँ ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या सामान है जियो? मालन हाँ कि ये सामान तुमने आज पहली बार देखा है? परदेसी इतना लंबा चौड़ा सामान तो मैंने आज ही देखा है जी। ये सामान है औरतों को सुधारने का, इससे औरत सुधारी जाती है। परदेसी मर्दों का काम औरतों को सुधारने का नहीं होता है, औरत जो होती है बहुत प्यार की चीज रखने के लिए होती है। अबे मालन क्या हाथ मत लगा दिया, फाड़ दूंगा अभी। अबे ओ माली के बच्चे हाँ फाड़ दूंगा, ये छिदा रही है। ये मैं बता रही हूँ। क्या कहती है मालन? कि मर्दों का काम औरतों को सुधारने का नहीं होता। मालन हाँ जी जिस दिन ये काम बंद हो गया तो समझ ले मालन ये मर्द जितने भी हैं बेचारे सब परेशान हो जाएंगे। अच्छा जिस दिन हथियार उठा के रख दिए इसमें तो हफ्ते में दो बार जरूर हाथ निकाल दे। जिस आदमी ने दो दफा हाथ निकाला आदमी बेकार। ठीक है परदेसी आज तक तो सुधारी है मैंने हजारे की औरतें, अब सुधारूंगा मैं साले की औरतें। परदेसी तुमने अपनी तक तो हजारे की औरतें सुधारी होंगी, मैं भी औरत एक जंग स्याले की हूँ, तेरे बस में आने वाली चीज नहीं हूँ मैं। भैया भैया ये तो आज मुझसे ही ना सुधरी, तुमसे तो सुधरेगी क्या? अरे तुझसे क्या सुधरती माली, तेरा इसका हिसाब ही खराब दिखाई दे। भाई साहब अरे तेरी उम्र है 60 साल की और मालन ठा फिर चलना चलना हो रहा क्या? टनाटन हाँ तुम मुझसे क्या बात कर रहा है? बुढ़ापे में टनाटन हो रहा है। बुढ़ापे में हो रहा है मुझसे ज्यादा मजबूत थोड़ा है। इसको आज मैं सुधारूंगा, तेरे बस की नहीं है। अच्छा जा माली चला जाने तेरा चचिन्ने तोड़ दूंगी आज। आज खास बाबू लोटी का माटी तोड़ू मारो जी। जानती ना जानती देख रहे हो तुम? देख रहे हो? देख रहे हो दूसरे की औरत को मारिया? तेरी माँ की झोपड़ी माँ चुहाते मार ली टांग फाड़ दूँ। हजमती ना मारो मुझे परदेसी, हजमती ना मारो मुझे परदेसी मेरी। अरे जी सुनो जी ये की ना छूचा किया हम बचे हैं दुहाई जी। अल पहली दुहाई ओ देवे चूचा की मेरी, आराजी सुनो पिना है अज दुगुनी मारी लगाओ जी। ओ हाथ ऊपर कर ले तेरी बेचारी, आई मैं मर गई, आई परदेसी आई मर गई। मानता ना मालन? हाँ जी माली हो गया बहुत गलत काम। माली हाँ अजी मैं तो मरी जी,
मरी क्या मार रही हो तो कहीं को जानी ना छोड़ रहा माली। तो छोड़ दो उल्टी सुधी मार रहा, इस पे मारने भी नहीं। मैं तुम्हें बार बार समझा रही, तुम यहाँ से चले जाओ जी। ये लकड़ी मैंने बर्दाश्त कर लीजिए, तुम्हारे बस की बात ना। हाँ, ये तो बात ठीक है मालन। अगर जो तुम्हारे एक में लगी तो घिन में कार जाओगे जी, परदेश जाओ भाग। ये बात है मालन। माली के बच्चे यहाँ आ माली। हाँ जी। अब जब मालन और मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था तो तू बीच में क्यों आवे? अब मुझे दो बात मालन से इलाज करनी थी। ठीक है कर लो। हा? कर लो। अब तुझे दिखाऊं पहचान असली नाम की और नकली की? हाँ, ऊपर कर जल्दी। अच्छा जी। सुधार तुझे